आपको बता दें कि मुंबई के वाली स्थित अंबा देवी मंदिर के परिसर में युवा हिंदू रक्षक संघ का आज उद्घाटन समारोह किया गया, जिसमें हिंदू धर्म की रक्षा और संरक्षण के लिए इस कार्यक्रम का ताना बाना आयोजन अर्जुन दत्ता जी मेगा द्वारा आयोजित किया गया, जहाँ हिंदू धर्म की रक्षा हेतु तो एक सफल प्रयास, इसके लिए हमें हिंदुओं के समर्थन की आवश्यकता है, इस तरह की बात कही गई है। सभा में हिंदू युवाओं में हिंदू धर्म की एकता का निर्माण करना, सनातन धर्म की रक्षा और पोषण करना, हिंदू भाइयों का हर संभव सहयोग करना, हिंदू देवता या हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काऊ कृत्यों के खिलाफ एकजुट होना, इन सब बातों का समावेश किया गया। साथ ही कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, जहां इस दौरान सभा में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम को सफल बनाया। सर क्या कहना चाहेंगे, युवा हिंदू रक्षक संघ का लोगों का अनावरण हुआ, क्या मकसद के साथ, क्या उद्देश्य के साथ इस संघ की स्थापना की है, क्या बताना चाहेंगे? तो आज ये युवा हिंदू रक्षक संघ की जो स्थापना की थी, वो उसका उद्देश्य एक ही है कि हमें हिंदू विचारधारा हिंदू युवा तक पहुंचाने का है। हिंदू युवा को के एकता के लिए ये संगठना बनी है, और मैं वापस बोलूँगा कि हम कोई भी दूसरे जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है, बस जो हमारा हिंदू धर्म है उसको हमें बड़ा करना है और पूरे जग भर में लेके जाना है, और सब हिंदू सब युवा हिंदू है, मैं चाहता हूँ और हमारी पूरी संगठना चाहती है कि हर हिंदू युवा गर्व से बोले कि मैं हिंदू। तो क्या प्लान है, किस तरह कुछ प्लानिंग लेकर चल रहे हैं, किस तरह से युवाओं को बदलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहेंगे? यस, हमारे पास एक स्कोप ऑफ वर्क का पैम्फलेट भी है, मुझे मैं आपके आपको वो भी देता हूँ, आपको बता भी दूंगा कि हमारा प्लान है कि हम बाई वीकली योगा क्लासेस के साथ शुरू करेंगे, जहाँ पे शिव जिनकी कंपनी है द ट्रू योगा विद शिव, उनके माध्यम से हम योगा क्लासेस करेंगे, उनके साथ वो योगा के साथ हिंदू शास्त्रों और वेद के बारे में प्रवचन भी देंगे। उसके साथ हर महीने हम कोई ना कोई धार्मिक स्थल पे जाएंगे, वो स्थल की ऐतिहासिक महत्वता के बारे में हम सीखेंगे और वहाँ पे दर्शन भी करेंगे। उसके बदले में उसके बावजूद हम और ऐसे काम करेंगे, जैसे कि इंटेलेक्चुअल्स को बुलाएंगे, वो भी हमें लेक्चर्स देंगे, प्रवचन देंगे, इतिहास के बारे में प्रवचन देंगे, कैसे आज भारत में भारत और हिंदुओं की परिस्थिति जो भारत में है वो इस पे कैसे पहुंची, भारत में हिंदू एक साथ क्यों नहीं है, उसके बारे में भी हमें जानकारी इंटेलेक्चुअल से मिलेगी, जो एक्सपर्ट्स है ये फील्ड में, जो हिस्टोरियंस है, उनके साथ हम टाई अप करके और प्रवचन करेंगे। मंदिरों के बाहर हम जाके आरतियों की बुक्स युवाओं को देंगे तो वो समझ सकेंगे, और ऐसे अनेक उपक्रम करेंगे जहाँ पे हिंदू विचारधारा युवा के जो हिंदू युवा है उनके तक उन तक पहुँचे, और ऐसे पहुँचे जहाँ पे वो रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हिंदू विचारधारा है वो डेली लाइफ में आपकी मदद कर सकती है, और वो ही हमें लोगों को और हिंदू युवाओं तक पहुँचाना। तो प्रयास ये है कि जो हिंदू बांधव हैं, मेरे बंधु हैं, जो मेरे साधक हैं, जो लोग हैं, उनको समझाना है अपने धर्म के बारे में। प्रयास ये नहीं है कि किसी के साथ लड़ना है या किसी धर्म के खिलाफ है हम, प्रयास ये है कि हमें उनको समझाना है कि हिंदू ये संस्कृति कितनी लंबी है, कितनी गहरी और कितनी बड़ी है, और जब उसे सीखेंगे जानेंगे तो मुझे नहीं लगता इसको जानने के बाद कोई प्रयास करेगा इसको इसका निरादर करने का या इसको ख़त्म करने का। सर आपसे जानना चाहेंगे, ऐसी कई संस्थाएं संगठन हैं युवाओं को जोड़ती तो है लेकिन योग के बारे में अध्यात्म के बारे में बहुत कम बताती, तो क्या कुछ कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं?
तो देखिए, जैसा मैंने कहा आपसे कि हमारे पास बाबा रामदेव खुद हैं जिन्होंने क्रांति लाई, योग की क्रांति लेकर आई, और उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन कहने की बात यही है कि एक व्यक्ति से काम नहीं होने वाला और एक संगठना से काम नहीं होने वाला, बहुत सारी संगठनाएं, जैसे कि कहने का मतलब है, मान लीजिए बजरंग दल है आपके पास, आपके पास हिंदू वाहिनी है, आपके पास RSS है, लेकिन जैसा मैंने कहा, भगवान राम के पास अगर बजरंग बली थे तो भगवान राम खुद भी थे। तो ये दोनों लोग थे तब जाके सेना बनी। शस्त्र शास्त्र दोनों का सहारा लेना है और किसी से कोई मतभेद नहीं, केवल हिंदू विचारधारा को पहुंचाने की कोशिश करनी है घर घर तक। तो आप प्रयास करिए, हम भी प्रयास करेंगे, RSS प्रयास कर रही है, वाहिनी प्रयास कर रही है, और ये प्रयास चलता रहेगा निरंतर जितने लोग जुड़ते जाएंगे। जो अपने धर्म का और अपने संस्कृति के जो मूल है उसके साथ जो संपर्क है वो युवाओं का हो नहीं रहा, उसके बारे में बहुत कम जानकारी है युवाओं, तो वही जागरूकता हम लोग युवाओं में फैलाने की कोशिश करेंगे इस संस्था के मार्फत से। और ये भी हमारा गोल्स में से एक गोल ये भी है कि हिंदू युवाओं को अपनी संस्कृति क्या है वो समझा के बताना। कहने का मतलब यही है कि प्रयास, मतलब कि हमारा प्रयास ये है कि देखिए, आज इतनी बड़ी लड़ाई क्यों हो रही है, आज क्यों वहाँ पर मारा गया लोगों को, क्यों बिहेड किया गया, क्यों उनका गला काटा गया। गला इसलिए काटा गया क्योंकि हिंदू ही हिंदुइज्म के बारे में नहीं जानते, सनातनी ही सनातन धर्म के बारे में नहीं जानते। और मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप इस धर्म को पढ़ना शुरू करेंगे, यकीन मानिए 108 पुराण से लेके उपनिषद तक जब आप इसको जानना शुरू करेंगे, तो आपके अंदर भी जो विचारधारा होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि हिंदू जो ये हिंदुओं को लेकर गर्व रखते हैं या सनातनी जो सनातनी होने का गर्व रखते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, सच में इस ये ज्ञान की धारा जो है बहुत लंबी है और इसमें कोई कमी नहीं है कि इस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, ना ही बस देश में, ना ही बस इस देश में, बाकी वेस्टर्न कल्चर में भी हमें इसको पहुंचाना है। जैसे कि आप इस्कॉन को देख ही रहे हैं, इस्कॉन आपके सामने बहुत बड़ा एग्जांपल है जो हिंदू विचारधारा को पहुंचाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहने का आहार विहार आचार विहार ये चारों चीज़ों पे बताया जाता है। तो ये मेरे ख्याल से केवल देश तक सीमित ना हो, ये लोगों तक पहुँचे, ये प्रयास है।